एक बात एक दोस्त ने एक दफ़ा मुझे भेजी, मुझे बड़ी वो हसीन लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, वो जब उसको दफन करने लगे जनाजा पढ़ के, तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा, पैसे दे दो दफन कर लो। 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। उन 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे को वो दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। तो और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दूंगा। अब वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दें, 45 लाख ही कह दिया है, हमें तो अब्बा ने कोई नहीं बताया, हालांकि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है। तो भाई हम किधर से दें, चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करे नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन किधर से दें 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी, बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो, मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है, कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। का क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है, तो 110 निकल आएंगे वारस, कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखूं इसका असल वारस है कौन। तो असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बूंदे भी उतार के भेज दिए, और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन लमैला हो जाए, तो असल वारस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना, तो मुझे असल वारस मिल गया है, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी।